ओम शांति आज दो अगस्त 2021 के इक्कीस की मुरली में बाबा ने कहा मीठे बच्चे जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं ऐसे तुम भी फालो फादर करो सुखदाई बनो इस देह को भूलते जाओ आज की मुरली का प्रश्न है देही अभिमानी रहने वाले बच्चों की मुख्य निशानियां क्या होगी उत्तर है पहला उनका आपस में बहुत-बहुत रूहानी प्रेम होगा दूसरा वे कभी एक-दो की खामियों का अर्थात कमियों का वर्णन नहीं करेंगे तीसरा वे बहुत-बहुत सुखदाई होंगे चौथा उनकी खुशी कभी गायब नहीं होगी सदा अपार खुशी में रहेंगे पांचवा कभी मतभेद में नहीं आएंगे छठा हम आत्मा भाई भाई है इस स्मृति से गुणग्राही होंगे उनके सब उन्हें सबके गुण ही दिखाई देंगे वे खुद भी गुणवान होंगे और दूसरों को भी गुणवान बनाएंगे सातवा उन्हें एक बाप के सिवाय और कोई याद नहीं आएगा अब सुनते हैं आज की मुरली को विस्तार से ओम शांति ऊंच बेहद के बाप के सम्मुख तुम सब बच्चे बैठे हो तुम कितने भाग्यशाली हो जो ऐसा बाप मिला है तुम ज्ञान सागर बाप के पास आए हो ज्ञान रत्नों से झोली बढ़ने कमाई करने बाप तुम मीठे मीठे बच्चों को कितना ऊंच ले जाते हैं बाप तो सिर्फ तुम बच्चों को ही देखते हैं उनको तो किसी को याद नहीं करना है इनकी आत्मा को तो बाप को याद करना है बाप कहते हैं, हैं। हैं। हम हम दोनों दोनों तुम तुम बच्चों बच्चों को को ही ही देखते देखते मुझ आत्मा को तो साक्षी हो नहीं देखना है परंतु बाप के संग में मैं भी ऐसे देखता हूं बाप के साथ रहता तो हूं ना बाप के साथ रहता तो हूं ना बाबा कह रहे हैं परंतु बाप के संग में मैं भी ऐसे देखता हूं किसके साथ रहता है बाप के साथ रहता तो हूं ना उनका बच्चा हूं तो साथ में देखता हूं मैं विश्व का मालिक बन घूमता हूं जैसे कि मैं ही यह करता हूं मैं दृष्टि देता हूं देश सहित सब कुछ भूलना होता है बाकी बाप और बच्चा जैसे एक हो जाते हैं तो बाप समझाते हैं मीठे बच्चे खूब पुरुषार्थ करो जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं ऐसे तुम भी फॉलो फादर करो जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं ऐसे तुम भी फालो फादर करो सुखदाई बनो आपस में कभी लड़ो झगड़ो नहीं अपने को आत्मा समझ इस देह को भूलते जाओ सिवाय एक बाप के और कोई याद न आए यह भी जैसे जीते जी मौत की अवस्था है इस दुनिया से जैसे मर गए क्या करना ऐसे जीते जी मौत की अवस्था है इस दुनिया से जैसे मर गए कहते भी हैं आप मुए मर गई दुनिया यहाँ तुमको जीते जी मरना है शरीर का भान उड़ाते रहो एकांत में बैठ अभ्यास करते रहो सवेरे एकांत में बैठ अपने साथ बातें करो बहुत उकीर अर्थात उमंग से बाप को याद करो बाबा बस अभी हम आपकी गोद में आया कि आया बस एक की याद में ही शरीर का अंत हो इसको कहा जाता है क्या कहा जाता है इसको कहा जाता है एकांत बाप को याद करते करते यह शरीर रूपी चमड़ी छूट जाएगी तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया पुरानी देह खलास हो जानी है बाकी पुरुषार्थ के लिए थोड़ा सा संगम का समय है बच्चे पूछते हैं बाबा यह पढ़ाई कब तक चलेगी बाबा कहते जब तक देवी राजधानी स्थापन हो जाए तब तक सुनाते रहेंगे फिर ट्रांसफर होंगे नई दुनिया में यह पुराना शरीर है कुछ न कुछ कर्म भोग भी चलता रहता है इसमें बाबा मदद करे ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए देवाला निकला बीमार हुआ बाप कहेंगे यह तुम्हारा हिसाब किताब है हाँ क्या कहेंगे भाई देवाला निकला या बीमार हुआ तो बाबा क्या कहेंगे यह तुम्हारा हिसाब किताब है तुम्हें चुप करना पड़ेगा हाँ फिर भी योग से आयु बढ़ेगी अपनी मेहनत करो कृपा मांगो नहीं बाप को जितना याद करेंगे इसमें ही कल्याण है जितना हो सके योग बल से काम लो भक्ति मार्ग में गाते हैं मुझे पलकों में छिपा लो प्रिय चीज को नूरे रत्न प्राण प्यारा कहते हैं यह बाप तो बहुत प्रिय है परंतु है गुप्त उनके लिए लव ऐसा होना चाहिए जो बात मत पूछो बच्चों को तो बाप अपनी पलकों में छिपाते ही हैं पलकें कोई ये आंखें नहीं यह तो बुद्धि की बात है मोस्ट बिल्वेड निराकार बाप हमें पढ़ा रहे हैं वह ज्ञान का सागर सुख का सागर प्यार का सागर है ऐसे मोस्ट बिल्वेड बाप के साथ कितना प्यार होना चाहिए बच्चों की कितनी निष्काम सेवा करते हैं तुम बच्चों को हीरे जैसा बनाते हैं कितना मीठा बाबा है कितना निरअहकारी बन तुम बच्चों की सेवा करते हैं तो तुम बच्चों को भी इतने प्यार से सेवा करनी चाहिए श्रीमत पर चलना चाहिए कहा अपनी मत दिखाई तो तकदीर को लकीर लग जाएगी तुम बच्चों का आपस में बाबा क्या कहते हैं कहा अपनी मत दिखाई तो तकदीर को लकीर लग जाएगी तुम बच्चों का आपस में बहुत बहुत रूहानी प्रेम होना चाहिए परंतु देह अभिमान में आने के कारण वह प्यार एक दो में नहीं रहता है एक दो की खामियां ही निकालते रहते हैं फलाना ऐसा है वह यह करता है तुम जब देही अभिमानी थे तो किसकी खामियां नहीं निकालते थे आपस में बहुत प्यार था अब फिर वही अवस्था धारण करनी है पहले तुम कितने मीठे थे फिर ऐसा मीठा सदा सुखदाई बनो देह अभिमान में आने से दुखदाई बने तो तुम्हारी रूहानी खुशी गायब हो गई लाइफ भी छोटी हो गई अब फिर बाप आया है तुम्हें सतो प्रदान बना कर सदा सुखदाई बनाने तुम जितना बाप को याद करते रहेंगे उतना खामिया निकलती जाएगी मतभेद निकलता जाएगा यह या पक्का याद रहे हम भाई भाई हैं आत्मा भाई भाई को देखने से सदैव गुण की गुण ही दिखाई दे पड़ेंगे सबको गुणवान बनाने की कोशिश करो अवगुणों को छोड़ गुणों को धारण करो कभी किसी की ग्लानी नहीं करो कोई कोई में ऐसी खामियां हैं जो खुद भी समझ नहीं सकते हैं वह तो अपने को बहुत अच्छा समझते हैं परंतु खामी होने के कारण कहाँ न कहाँ उल्टा बोल निकल पड़ता है सतो प्रधान अवस्था में यह बातें नहीं होती अपने आप को देखो हम कितने मीठे बने हैं हमारा बाप के साथ कितना लव है बाप से लव ऐसा हो जो एकदम चटका रहे बाबा आप हमको कितना ऊंच समझदार बनाते हो स्वर का मालिक बनाते हो ऐसे अंदर में बाप की महिमा कर गद गद होना चाहिए रूहानी खुशी में रहना चाहिए बाबा क्या कहता है ऐसे अंदर में बाप की महिमा कर गद गद होना चाहिए रूहानी खुशी में रहना चाहिए गाते भी हैं खुशी जैसी खुराक नहीं बाप के मिलने की भी कितनी खुशी रहनी चाहिए संगम पर ही तुम बच्चों को इक्कीस जन्मों के लिए सदा खुशी में रहने की खुराक मिल जाती है फिर कोई को किसी बात की चिंता नहीं रहती अभी कितनी चिंताएं हैं इसलिए इन चिंताओं का असर कहाँ होगा हमारे शरीर पर भी आता है तुमको तो कोई बात की चिंता नहीं यह खुशी की खुराक तुम एक दो को खिलाते रहो एक दो की यह जबरदस्त खातिरी करनी है ऐसी खातिरी मनुष्य मनुष्य की कर नहीं सकते तुम बाप की श्रीमत पर यह खातिरी करते हो मनुष्य मनुष्य की नहीं कर सकते हैं यह तो बाप की श्रीमत पर तुम यह खातिरी करते हो खुश खैरापत भी यह है किसको बाप का परिचय देना यह ज्ञान और योग की फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है यह खुराक एक ही रूहानी सरसन सर्जन द्वारा मिलती है मन मना भाव मद्याजी भाव बस दो वर्षंस की यह खुराक है मोस्ट बिल्वेड बाप से विश्व की बादशाही मिलती है ये कोई कम बात थोड़ी है यह दो वचन ही नामी ग्रामी है इन दो वचनों से तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाते हो तो तुम बच्चों को इन बातों का सिमरण कर हर्षित रहना चाहिए गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज गायन भी अभी का है जितना हो सके एक दो को यह रूहानी खुराक पहुंचाओ एक दो की उन्नति करो टाइम वेस्ट न करो बड़े धीरज से गंभीरता से समझ से बाप को याद करो अपनी जीवन हीरे जैसी बनाओ अब बाबा ने कहा बाबा ने आगे क्या कहा मीठे बच्चे बाप की जो श्रीमत मिलती है उसमें गफलत नहीं करनी चाहिए बाप का संदेश सभी को पहुंचाना है बाप का मैसेज सभी को मिलना तो है ना मैसेज बहुत सहज है सिर्फ बोलो अपने को को आत्मा समझ बाप को याद करो और से वाचा कोई भी बुरा कर्म नहीं करो एक दिन तुम्हारे इस साइलेंस बल का आवाज निकलेगा दिन प्रतिदिन तुम्हारी उन्नति होती जाएगी तुम्हारा नाम बाला होता जाएगा सब समझेंगे यह अच्छी संस्था है अच्छा काम कर रहे हैं रास्ता भी बहुत सहज बताते हैं यह ब्राह्मणों का जाड़ बहुत बढ़ता जाएगा प्रजा बनती रहेगी सेंटर्स बहुत वृद्धि को पाएंगे तुम्हारी प्रदर्शनी भी गांव-गांव में होगी तुम बच्चों को बड़ी भारी सर्विस करनी है तुम्हारे नए नए सेंटर्स खुलते जाएंगे जिसमें अनेक मनुष्य आकर अपनी जीवन हीरे जैसे बनाते रहेंगे तुम्हें बहुत प्यार से एक एक की संभाल करनी है तुम्हें बहुत प्यार से एक एक की संभाल करनी है कहाँ किसी बिचारे के पैर खिसक न जाए जितने जास्ती सेंटर्स होंगे उतना जास्ती आकर दान पाएंगे जब आप बच्चों का प्रभाव निकलेगा तो बहुत बुलाएंगे कि यहाँ आकर हमको मनुष्य से देवता बनाने का राजयोग सिखाओ आगे चलकर बहुत धूमधाम होगी कि वही भगवान आकर आबू में पधारे हैं तुम बच्चे देख रहे हो कि इस समय पुरानी दुनिया में अनेक इंटरनेशनल रोले हैं अब ये सभी रोले खत्म होने हैं इसकी तुम्हें कोई भी फिक्रात नहीं करनी है तुम सबको सुनाओ कि इसकी परवाह नहीं करो अब यह पुरानी दुनिया गई कि गई इसमें मोह नहीं रखना है अगर मोह होगा हृदय शुद्ध नहीं होगा तो अपार खुशी भी नहीं रहेगी बच्चों को अथा ज्ञान धन का खजाना मिलता रहता है तो अपार खुशी होनी चाहिए जितना हृदय शुद्ध होगा उतना औरों को भी शुद्ध बनाएंगे योग की स्थिति से ही हृदय शुद्ध तुम बच्चों को योगी बनने बनाने का भी शौक होना चाहिए अगर देह में मोह है देह अभिमान रहता है तो समझो हमारी अवस्था बहुत कच्ची है देही अभिमानी बच्चे ही सच्चा डायमंड बनते हैं इसलिए जितना हो सके देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 सदा रहेंगे हंसते हंसते बन जाएंगे फरिश्ते वह बाबा वह मेरा भाग्य अब धारणा के लिए मुख्य सार मैं पहला बिंदु बाप समान अहंकारी बन बहुत प्यार से सबकी सेवा करनी है श्रीमत पर चलना है अपनी मत पर चलकर तकदीर को लकीर नहीं लगानी है दूसरा पॉइंट संगम पर बाप द्वारा जो खुशी की खुराक मिली है वही खुराक खाते और खिलाते रहना है अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है बड़े धीरज से गंभीरता से समझ से बाप को याद कर अपनी जीवन हीरे जैसी बनानी है वरदान है आज का मैं पन का त्याग कर सेवा में सदा खोए रहने वाले त्याग मूर्त सेवाधारी भव में पन का त्याग कर सेवा में सदा खोए रहने वाले त्याग मूर्त सेवाधारी भव विस्तार है सेवाधारी सेवा, सेवा में सफलता की अनुभूति तभी कर सकते हैं जब मैंपन का त्याग हो मैं सेवा कर रही हूँ मैंने सेवा की इस, इस सेवा भाव का त्याग मैंने नहीं की लेकिन मैं करणहार हूँ करावनहार बाप है मैंपन बाबा के लव में लीन हो जाए इसको कहा जाता है सेवा में सदा खोए रहने वाले त्याग सच्चे सेवाधारी कराने वाला करा रहा है हम निमित है सेवा में मिक्स होना अर्थात मोहताज बनना सच्चे सेवाधारी में यह संस्कार हो नहीं सकते स्लोगन व्यर्थ को समाप्त कर दो तो सेवा की ऑफर सामने आएगी व्यर्थ को समाप्त कर दो तो सेवा की ऑफर सामने आएगी अच्छा मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हेडिंग जीवन के आस पूर्ण होने का सुहावना समय जीवन के आस पूर्ण होने का सुहावना समय हम सभी आत्माओं की बहुत समय से यह आस थी कि जीवन में सदा सुख शांति मिले अब बहुत जन्म की आशा कब तो पूर्ण होगी अब यह है हमारा अंतिम जन्म उस अंत के जन्म की भी अंत है ऐसा कोई नहीं समझे मैं तो अभी छोटा हूं छोटे बड़े को सुख तो चाहिए ना परंतु दुख किस चीज से मिलता है उसका भी पहले ज्ञान चाहिए अब तुमको नॉलेज मिली है कि इन पांच विकारों में फंसने के कारण यह जो कर्म बंधन बंधा हुआ है उनको परमात्मा की याद अग्नि से भस्म करना है यह है कर्म बंधन से छूटने का सहज उपाय इस सर्वशक्तिवान बाबा को चलते फिरते श्वासों श्वास याद करो अब यह उपाय बताने की सहायता खुद परमात्मा आकर करता है परंतु इसमें पुरुषार्थ तो हर एक आत्मा को करना है परमात्मा तो बाप टीचर गुरु रूप में आए हमें वर्षा देते हैं तो पहले उस बाप का हो जाना है फिर टीचर से पढ़ना है जिस पढ़ाई से भविष्य जन्म जन्मांतर सुख की प्रालब्ध बनेगी अर्थात जीवन मुक्ति पद में पुरुषार्थ अनुसार मर्तबा मिलता है और गुरु रूप से पवित्र बनाए मुक्ति देते हैं तो इस राज को समझ ऐसा पुरुषार्थ करना है यही टाइम है पुराना खाता खत्म कर कर जीवन बनाने का इसी समय जितना कर, अपनी आत्मा को पवित्र बनाएंगे उतना ही शुद्ध रिकार्ड भरेगा फिर सारा कल्प चलेगा तो सारे कल्प का मदार इस समय की कमाई पर है देखो क्या देखो देखो इस समय ही तुम्हें आदि मध्य अंत का ज्ञान मिलता है हमको सो देवता बनना है और अपनी चढ़ती कला है फिर वहां जाके प्राप्त भोगेंगे वहाँ देवताओं को बाद का पता नहीं पड़ता कि हम गिरेंगे अगर यह पता होता कि सुख भोगना फिर गिरना है तो गिरने की चिंता में सुख भी भोग नहीं सकेंगे तो यह ईश्वरीय कायदा रचा हुआ है कि मनुष्य सदा चढ़ने का पुरुषार्थ करता है अर्थात सुख के लिए कमाई करता है परंतु ड्रामा में आधा आधा पार्ट बना पड़ा है जिस राज को हम जानते हैं परंतु जिस समय सुख की बारी है परंतु जिस समय सुख की बारी है तो पुरुषार्थ कर सुख लेना है यह है पुरुषार्थ की खूबी एक्टर का काम है एक्ट करने समय संपूर्ण खूबी से पार्ट बजाना जो देखने वाले अर्थात करें इसलिए हीरो हीरोइन का देवताओं को मिला है जिन्हों का यादगार चित्र गाया और पूजा जाता है निर्विकारी प्रवृत्ति में रह कमल फूल समान अवस्था बनाना यही देवताओं की खूबी है इस खूबी को भूलने से ही भारत की ऐसी दुर्दशा हुई है अब फिर से ऐसे जीवन बनाने वाला खुद परमात्मा आया हुआ है अब उनका हाथ पकड़ने से बाबा ने क्या कहा कि अब फिर से ऐसे जीवन बनाने वाला खुद परमात्मा आया हुआ है अब उनका हाथ पकड़ने से जीवन नया पार होगी अच्छा ओम शांति